वेलकम गाइस, आज हम बना रहे हैं हमारे किचन में मैक्सिकन राइस विथ साल्सा, जो बहुत इजी है। हमने ये बहुत ही इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट से बनाया है, तो फिर चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम बना रहे हैं मैक्सिकन मसाला। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून जो धनिया सीड्स होती है हमारी वो ली है, 3 टीस्पून क्यूमिन सीड्स लिए हैं, जीरा। हमेशा क्यूमिन की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती है। इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है, जलाना नहीं है, तो बिल्कुल 1 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे। फिर इसका मिक्सी में पीस के पाउडर बनाना है। तो अब हम जब दोनों चीज़ों को पीसेंगे तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और 1 टीस्पून ऑरिगेनो डाल लेते हैं। नमक डालने से ये होता है कि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो होता है इसके अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेता है नमक। तो ये हमारा मसाला जो है वो बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर मिक्स कर लिया है। तो ये लीजिए, हमारा मैक्सिकन मसाला तैयार है। अब चलते हैं सालसा बनाने के तरफ। तो सालसा बनाने के लिए हमने एक टमाटर लिया है, उसे इस तरीके से गैस पे बिल्कुल पका लेंगे। अब यहाँ मैंने एक बोल लिया है, उसमें टमाटर डाला है, प्याज डाली है और कुछ कटे हुए बारीक गार्लिक क्लोव्स डाले हैं, हरी मिर्च डाली है और यहाँ पे जो टमाटर है ये हमारा ठंडा हो गया है थोड़ा सा, तो मैंने इसका काली काली जो परत है वो निकाल के इसे मिक्सी में पीस के इसका प्यूरे बना लिया। आपको अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप ऑब्वियसली 2-3 ले सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बना रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ मैंने टमाटर की प्यूरे बना के इसे रख लिया। जो हमारे टमाटर के क्यूब्स है इसे भी आप थोड़ा सा चम्मच से प्रेस कर करके इसका जूस भी निकाल सकते हैं चाहे तो, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे मैं नमक डालूंगी तो प्याज और टमाटर जो है वो गल जाएंगे और थोड़ा सा अपना पानी भी छोड़ेंगे। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून मैक्सिकन मसाला जो हमने बनाया था वो भी डाला है टेस्ट के लिए। ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना अवॉइड कर सकते हैं। इसे रख देते हैं साइड में ताकि प्याज अपना पानी छोड़े। तब तक चलते हैं राइस बनाने के लिए, मैक्सिकन राइस। तो अब यहाँ मैंने ऑयल लिया है जो हमारा रिफाइन होता है, 2 टीस्पून। अब इसमें मैंने यहाँ पे प्याज डाली है। प्याज डालने के बाद में मैं जिंजर और गार्लिक को बारीक चॉप्ड करके रखा हुआ था मैंने, और हरी मिर्ची को वो डाल दिया है। हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन किसी भी सब्जी को नहीं करना है, तो यहाँ गाजर, कॉर्न, शिमला मिर्च सारी सब्जियों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और मिक्स करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा कोई भी सब्ज़ी को नहीं पका रही हूँ मैं, बिल्कुल हल्की सी ही पकानी है, हमें क्रंचीनेस आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे मैंने हमारी जो पत्ता गोभी है उसके मैंने काट के रखे हुए थे वो भी डाल दिए। अब यहाँ हम मसाले में सिर्फ यहाँ पे जो हमने मैक्सिकन मसाला बनाया है वो ही हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 टीस्पून मैक्सिकन मसाला बनाया है, तो इसमें हमारी लाल मिर्च पाउडर भी है और जीरा और धनिया पाउडर का सब चीज़ का फ्लेवर है, ऑरिगैनो भी है, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसमें, और कोई मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है चावल। चावल हमें एकदम तुरंत के बने हुए नहीं चाहिए, चावल जो हो वो एटलीस्ट 3-4 घंटे पहले बने हुए होना चाहिए, या रात के लेफ्ट ओवर चावल हो वो आप यूज़ करें, तो उससे आपका जो मैक्सिकन राइस है वो बहुत खिला खिला बनेगा और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप एकदम फ्रेश और गरम वाले लेंगे तो वो थोड़े से सॉगी हो जाएंगे और वो खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल लिया है। अब ये जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारे मैक्सिकन राइस की, कितनी भी चीटिंग कर लें लेकिन इसके बिना मैक्सिकन राइस इनकम्प्लीट है, और वो है बीन्स। बीन्स में आप कोई भी बीन्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने राजमा और लोबिया यूज़ किया है। बीन्स में आप चाहें तो चिक पीस भी डाल सकते हैं, जो हमारे छोले होते हैं छोले डाल सकते हैं, या सिर्फ लोबिया या फिर सिर्फ राजमा। और फिर यहाँ पर धनिया पत्ता डाल देती हूँ। इसे हम रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम में 8 से 10 मिनट के लिए।
अब यहाँ मैं सालसा देख सकते हैं, थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है उसने, तो हमारी हल्की सी ये लिक्विड ही हो गई है। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून टमाटो केचप होता है वो डाला है, लेमन स्क्वीज कर दिया है मैंने, और यहाँ पे मैं फ्रेश कोरिएंडर लीव्स डाल रही हूँ। कोरिएंडर लीव्स हमने मैक्सिकन राइस में भी और इसमें भी, और दोनों में मैंने कोरिएंडर लीव्स के साथ में उसकी जो स्टेम होती है, जो डंडी होती है, वो भी काटी है, क्योंकि उसमें भी अपना ही कुछ एक अलग फ्लेवर होता है। अब यहाँ चलते हैं हम सर्विंग करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट में मैक्सिकन राइस निकाल लिया है, के बाद में यहाँ मैं ऊपर से डाल रही हूँ सालसा। यहाँ पे मैंने पनीर को ग्रेट किया है, पहले मैंने एक साइड पनीर ग्रेट किया है, फिर यहाँ मैं थोड़ा सा राइस और डाल रही हूँ, थोड़ा सा फिर मैंने यहाँ पे सालसा और डाला, और यहाँ मैं ऊपर से चीज ग्रेट कर रही हूँ। अब तो यहाँ हमने अच्छे से इसको चीज को ग्रेट कर दिया है, थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर लीव्स डाल देते हैं ऊपर से, और ये मैं नाचोस जो होते हैं हमारे, वो मैं थोड़ा क्रश करके डाल रही हूँ, तो इसका बहुत अच्छा क्रिस्पीनेस और क्रंची फ्लेवर आता है, तो बहुत टेस्टी लगता है वो। तो लीजिए, बहुत इजी तरीके से, आसान चीज़ों से हमारा मैक्सिकन राइस जो है वो बनके तैयार हो गया है। तो इसे ज़रूर ट्राई करिए, सभी लोगों को घर पे बहुत पसंद आएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।